अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन, आज हम स्पेशल फ्रेस्को के जो है दही बड़े बना रहे हैं और वो किस तरीके से बनेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखें, इसमें ये मिल्क पैक की मलाई शामिल होगी, ये एक कप भर के जो है ना दूध है, ये पीसी हुई चीनी है, ये कॉर्न फ्लावर है और ये घर का जमा हुआ दही है। और ये जो घर में बनाए थे मैंने आपको दिखाई थी बूंदी और दही बड़े, ये बड़े वाले जो है ना दही बड़े हैं, ये 10 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसको निचोड़ के निकाल लूँगी और इसको किस तरीके से हम तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन, इसके अंदर अब हम ये एक कप जो है दूध शामिल करेंगे और इसके अंदर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून जो है डाल के हम इसको पका लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको पका के बिल्कुल क्रीमी स्टाइल के अंदर इसको कर लेंगे हम। और इसके बाद पकाने के बाद जब ये क्रीमी हो जाएगा फिर क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, ये जो हमने कॉर्नफ्लावर दूध में डाल के पकाया था और देखें ज़रा बिल्कुल क्रीमी हो गया। अब इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर ख़राब हो जाता है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और इस तरीके से आपने पकाना कि इसके अंदर गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं पड़ें। ठीक है, इसको ठंडा करके फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, ये बन के और ठंडी हो चुकी है हमारी, ये जो हमने तैयार करा था दूध के अंदर शामिल करके। अच्छा, अब हम इसके अंदर दही शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम जो है ये पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना मीठा पसंद है आपको इतनी शामिल कीजिएगा। ठीक है, इसे हमने ये दही बड़े निकाले इसमें से और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने इसको निचोड़ लेना है इसका सारा पानी। ठीक है, पानी होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसके अंदर दही में शामिल कर दें और अभी तो इसमें और भी कुछ शामिल करेंगे हम। तो नाज़रीन, ये हमारे दही बड़े फ्रेस्को मीठे वाले बन के तैयार हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर ये मिल्क पैक की मलाई डालेंगे। ठीक है, और जब आप ये खाएंगे ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ बताई है। और अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे दही बड़ों का मसाला और चाट पापड़ी। तो नाज़रीन, पहले हम शामिल करेंगे इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा चाट मसाला। सब कुछ ये नाज़रीन घर का बना हुआ है और देखें कितनी आसानी होती है कि घर का चाट मसाला है, घर की ही बूंदी है और घर के ही दही बड़े हैं। ठीक है, और घर का ही दही जमाया हुआ है और ये आपको बनाना सिखाई थी मैंने, ये घर की ही हमारी चाट पापड़ी है। तो ये हम शामिल करेंगे इसमें और देखें कितने ज़बरदस्त से घर के अंदर मीठे दही बड़े जिसको फ्रेस्को कहते हैं ये घर में बन के तैयार हो गए और वो भी बहुत कम पैसों में। ठीक है, यानी तकरीबन आधा आधे फ़र्क पड़ता है कि अगर वहाँ से 100 की चीज़ आती है तो कम से कम 50-60 में घर में आराम से चीज़ बन जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि दही बड़े 50-60 में बने, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है ये 200 रुपये का डब्बा हो चुका है मिल्क पैक की मलाई का। ठीक है, लेकिन यह है कि ये आपकी मर्ज़ी है शामिल करें ना करें, लेकिन इससे ज़ायका और दुबाला हो जाएगा। ठीक है, और अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे पूरी उम्मत को याद रखें और मुझे भी खुसूसी अपने दुआ में याद रखें। रमज़ान मुबारक के ये मुबारक महीना है, इसके अंदर जो है ना जितनी दुआएं मांगी जाएं कम हैं। जितनी परेशानी आई हुई है गैस के मामले में, लाइट के मामले में, देखें कितने कितने बिल भेज रहा है ये एक इंसान के घर में 14-14, 15-15 हज़ार का जब एक फैमिली के पास बिल आता है तो आप खुद सोचें कितना बजट आउट होता है और कितना गुस्सा आता है कि इंसान का इतना कमाता नहीं है जितना जो है ना इनके बिलों को भरने में, इनका जो है ना मुंह बंद करने में लग रहा है कि इनको इतना
मुंह को हराम लग चुका है कि इनको ज़रा सी शर्म हया नहीं है कि रमज़ान के महीने में भी इतनी लाइट जारी है और इतनी गैस का जो है ना इशू हो रहा है कि सहरी के टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोग बेचारे जो है ना, उनके बजट आउट हो चुके हैं। वो कभी कोई सिलेंडर ख़रीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेचारा गैस भरवाने की लाइन में लगे हुए हैं, पराठे लेने की लाइन में लगे हुए हैं, हर तरीके से परेशान कर रखा है इन लोगों ने। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन ज़ालिमों से निजात दिला दे और कोई अच्छा हुक्मरान हमारे मुल्क को मुल्क पे भेज ताकि जो है वो आवाम की तकलीफ़ को समझे। ठीक है, ये किसी अजाब से कम नहीं है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको और हमें भी अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अमाल भी कोई अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह ताला भी हुक्मरान जब भेजता है ऐसे कि जब इंसान के जो है ना अमाल ख़राब हो जाते हैं, जैसे अमाल होते हैं वैसे ही हुक्मरान होता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है वो ऐसा है जैसे यतीम और मिस्कीन हो चुका है। हमारा पाकिस्तान का कोई जो है ना वाली वारिस नहीं है, बिल्कुल लावारिस है। जगह जगह गटर बह रहे हैं, जगह जगह कचरे पड़े हुए हैं, कोई सफाई करने का कोई होश नहीं है, बस इनको अपनी जेबें भरनी है। ठीक है, तो खुसूसी दुआ मांगा करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और जो हमारे अंदर बुराइयाँ और ख़राबियाँ हैं वो भी दूर हों। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो फ्रेस्को वाली रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त है, ये आप खाएंगे तो वाकई में एक चमचे में आप बोलेंगे वाह क्या चीज़ बनी है। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।